क्या चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है आईफोन के प्रो मॉडल में और आईफोन के प्लस मॉडल में। तो आज की ये वीडियो होने वाली है आईफोन 15 प्रो वर्सेस आईफोन 15 प्लस पर। ये दोनों मॉडल्स 1.5 महीने के अंदर लॉन्च होने जा रहे हैं, इसलिए लोग एक्साइटेड हैं और क्या कुछ खास होने वाला है दोनों मॉडल्स के अंदर। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की डिस्प्ले से। आईफोन 15 प्लस की डिस्प्ले 6.7 इंचेस की बिग डिस्प्ले होने वाली है, वहीं 15 प्रो की डिस्प्ले 6.1 इंचेस में होने वाली है। दोनों की डिस्प्ले सुपर एक्सडीआर रेटिना में और दोनों ही डिस्प्ले में है। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो आप 15 प्लस की तरफ बढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि छोटी डिस्प्ले चाहिए, मुझे कंफर्ट नहीं रहता बड़ी डिस्प्ले में, देन आप 15 प्रो की तरफ बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की एज कम्पेयर टू आईफोन 14 सीरीज। अब की बार आईफोन 15 सीरीज के हर मॉडल में बैटरी कैपेसिटी में अपग्रेड किया गया है, यानी कि 15 सीरीज के हर मॉडल में आपको 14 सीरीज के हर मॉडल से बैटरी कैपेसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या करूं ना हूं? और 15 प्लस और 15 प्रो में 14% ज्यादा बैटरी कैपेसिटी अपग्रेड की गई है, जो कि आईफोन 15 प्लस में 4,412 mAh में बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें 15 प्रो में 3,600 mAh में बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोनों मॉडल्स की परफॉर्मेंस की। आईफोन 15 प्लस को पावर देगी A16 बायोनिक चिप, जो कि 4nm पर बेस्ड होगी। वहीं आईफोन 15 प्रो को पावर देगी A17 बायोनिक चिप, जो कि 3nm पर बेस्ड होगी। 15 सीरीज के बेस मॉडल में A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, जबकि प्रो मॉडल्स में A17 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कैमराज की। आईफोन 15 प्लस में 48+12 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, मेन कैमरा 48 MP का और 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। वही बात करें 15 प्रो में ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, 48 MP का मेन कैमरा, 12 MP का पेरिस्कोप लेंस, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब बात करते हैं दोनों के लुक और डिजाइन की। यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं आईफोन 14 सीरीज से। वैसे तो थोड़ा बहुत चेंज होने वाला, जैसे कि कैमरा बम्प है वो थोड़ा बाहर निकले मिलेंगे, लेकिन आईफोन 15 सीरीज में बेजल्स कम देखने को मिलेंगे, स्लिम आईफोन देखने को मिलेगा। अब दोनों मॉडल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वही सेम टाइटेनियम बॉडी फ्रेम देखने को मिलेगी दोनों में और दोनों में एक्शन बटन देखने को मिलेगा। आईफोन 15 प्लस में भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और 15 प्रो में भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसके हर मॉडल में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। आईफोन 15 प्लस में 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, वहीं आईफोन 15 प्रो में 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों मॉडल्स की प्राइस रेंज की। आईफोन 15 प्लस 6 प्लस 128GB वेरिएंट 85,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें 15 प्रो 8 प्लस 256GB वेरिएंट 1,30,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। ऐसा कंक्लूजन किसी ने नहीं दिया होगा। अच्छा। अगर आपको बिग डिस्प्ले चाहिए, देन आप 15 प्लस की तरफ बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, 15 प्रो की तरफ बढ़ सकते हो। और एक और चीज मैटर करती है, दोनों की प्राइस रेंज। दोनों मॉडल्स के बीच में प्राइस रेंज का अच्छा खासा गैप है, इसलिए सोच समझ कर बाय करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स, लव यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे कमेंट करके बता सकते हो कि इन दोनों में से फेवरेट मॉडल आपका कौन सा है। मैं नहीं बताऊंगा।